नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अपने 3 दिन के दौरे पर पाक पीएम इमरान खान अमेरिका क्या पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात क्या कर ली, मानो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तो सुर ही बदल गए। अभी तक पीएम मोदी के साथ भारत के सुर में सुर मिलाने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट के तेवर ही अलग हो गए। अब उनके तेवर बदले और फिर वो झूठ बोलने के बेताज बादशाह तो है ही, लेकिन झूठ भी बोला तो पीएम मोदी के कंधे पर बंदूक रखकर और कह दिया कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता करने की अपील की है। हालांकि इसको लेकर वो अपने घर में ही घिर गए और उसके बाद कुछ इस तरह से ट्रोल हो गए कि एक दिन में करीब 17 झूठ बोलने वाले ट्रंप अब शायद एक भी झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। कम से कम भारत को लेकर तो झूठ बोलने से कतराएंगे ही, लेकिन इसी बीच भारत में भी कई लोग ट्रंप के झूठ को सच मानकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। पहले उमर अब्दुल्ला और फिर अब बारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला की, जहां ट्रंप के झूठ को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला का रवैया इससे बिल्कुल उलट दिखाई दिया। उन्हें ट्रंप के झूठ से खुशी हुई है। कहते हैं कि ये खुशी की बात है कि जब पीएम मोदी ने ट्रंप से बात की तो उन्होंने बताया कि कश्मीर का मुद्दा जटिल है और ये अच्छी बात होगी यदि इसको सुलझाने में मदद मिलती है। इसके अलावा फारूक ने इसके लिए पीएम मोदी को बधाई भी दी, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि इस मसले को सुलझाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाए जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव का मुद्दा है। भारत ने हमेशा इस मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय वार्ता का फेवर किया है और फिर ट्रंप का ऐसा झूठ बोलना, उससे फारूक अब्दुल्ला का सहमत होना, लोगों को तो मानो मौका ही मिल गया फारूक अब्दुल्ला को ट्रोल करने का। लोगों ने दोनों बाप बेटों को जमकर ट्रोल किया। बंगाली बाबा नाम के एक ट्विटर यूजर ने कहा, अगर कश्मीर का कुछ करना है तो सबसे पहले इन दोनों बाप बेटे को जेल में डालकर अच्छे से कूटो। वहीं पवन सिंह नाम के यूजर ने तो फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का एजेंट ही बता दिया। जसवंत सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, अब्दुल्ला ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भीख सिंह भाटी लिखते हैं, गांव बसा नहीं मांगने वाले पहले ही तैयार हो गए। ट्रंप हमेशा उल्टे सीधे बहानों की वजह से सुर्खियों में रहना चाहते हैं और भारत में बैठे ये बुद्धिजीवी ऐसी बातों को ही लपक कर अपनी राजनीति करते हैं। सत्य बात इनको चुभती है और झूठ को हमेशा सही मानते हैं। भारत नाम के यूजर लिखते हैं, अब्दुल्ला को शायद लगता है कि अगर कश्मीर अलग हो गया तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। फारूक, स्टे कूल एंड डोंट बी हाई ऑन वीज। फारूक अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय में आया है कि ट्रंप का झूठ बेनकाब हो चुका है और भारत ही क्या, अमेरिका तक पीएम मोदी से ट्रंप की इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार कर चुका है। लेकिन उन्हें जिस बात से खुशी मिली तो भला बोले क्यों ना, और उन्होंने बोला भी कि कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान के साथ सुलझाने के लिए वो कितने उतावले हैं और इसके लिए ट्रंप के झूठ को भी सच मानने लगे हैं। ये मसला इतना बढ़ा कि मंगलवार को संसद तक में इसको लेकर हंगामा हो गया। विपक्ष पीएम मोदी से मुद्दे को लेकर उनका जवाब सुनने के लिए उत्साहित था। राज्यसभा में इस बात को लेकर दिन भर हंगामा होता रहा। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी से स्थिति साफ करने की मांग की। विपक्ष का दावा है कि पीएम मोदी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर अमेरिका से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव जून में जापान के ओसाका में हुई G20 की बैठक में दिया था, और इसी के दावे के साथ विपक्ष पूरे दिन हंगामा करता रहा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार की रात को पाकिस्तान पीएम इमरान खान से मुलाकात के दौरान दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की मांग की है। हालांकि ट्रंप के दावे पर बवाल इतना बढ़ा कि अमेरिकी सरकार को ही बैकफुट पर आना पड़ गया। व्हाइट हाउस से बयान आया कि उसके रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है कि पीएम मोदी ने कश्मीर मसला हल करने के लिए ट्रंप से मदद की अपील की थी। Mr. Donald Trump, tell the Prime Minister of Pakistan, Shri Imran Khan, that the Prime Minister of India at the G20 summit, which was recently in Osaka, requested me that will you agree to mediate? And I asked him on what, and he said on Kashmir. It has gone on for many years. Please. It has gone for many years. This is not the way. It has gone for many years. And then he asked the Pakistan Prime Minister, since the Indian Prime Minister has requested me, will you agree
To which the Pakistan Prime Minister responded in affirmative and told the US President that Pakistan will also agree, and he went on to say that billion people will bless you. Sir, India's position has been consistent, firm and clear on Pakistan and also on POK. Both the houses of parliament have in the past, this house and the Lok Sabha, passed unanimous resolution. What the Honorable Chairman has said, we fully realize the enormity and the sensitivity of the matter. And India speaks in one voice. There's no intention to divide. But it is a head of state of the most powerful country talking about the head of the Indian government, the Prime Minister conveying something, right, which has serious consequences for us. Because we have always maintained, whether it was the Simla Accord, later Lahore was a declaration, but between the two Prime Ministers, when the Simla Accord was reached, that this is a bilateral issue of Jammu and Kashmir, and India will not accept any third-party mediation. I have to submit through you, sir, to the government, since it is the President of America informing the Pakistan PM about Indian Prime Minister saying it, Parliament is in session, I submit to you that the Prime Minister must respect Parliament and come to the House and clarify this. Sri Raja, Sri Raja. Please, Mr. Karim, sit down. Sit down, please, Mr. Karim. You have not given notice. Please sit down. Please sit down. Otherwise, it is totally unbecoming. Okay. On such a sensitive issue, you have not given notice. I am calling people. I have given notice, sir. You can give any notice after the time is over. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Agreeing with you that nation should speak in one voice, parliament should speak in one voice, we are raising this issue. And it is a serious issue. The stated position of the country remains to be no third party mediation on Kashmir, no third party mediation on the issues which are there between India and Pakistan. They are all bilateral issues we should sort out bilaterally. That is the position so far India has got. Now, is there any change? Because the US President, no secretary, it is US President who claims that Prime Minister of India has asked him whether is it possible for him to negotiate or mediate. And he has said this to the Prime Minister of another country. Right, Raja. So in such a situation, I think the denial given by the official of the External Affairs Minister is not enough. Prime Minister should come right. And tell Parliament. Thank you. And tell Minister for External Affairs. And Prime Minister should Minister for External Affairs. Clarify. Please, you have raised the issue. The issue has come before the House. Let us hear the government version. He was also there when the meeting took place. Sir, yesterday evening, after the House had adjourned, we heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody on this. Thank you. Mr. Rakesh Sinha. Mr. Rakesh Sinha, please sit down. Please.
Don't make a national issue into a political issue. Please don't make a national issue into a political issue. This is not the way.